नमस्कार साथियों, आज हम एक बात करेंगे भाई ओमिक्रॉन वायरस। जी हाँ, सबको पता ही होगा जो दक्षिणी अफ्रीका से स्टार्ट होके लगभग 12 से 13 देशों में पहुंच चुका है। 100 प्लस अभी तक पॉजिटिव लोग हो चुके हैं और ये जो वायरस है बड़ा खतरनाक बताया गया है। आज तक जितने भी 2 साल में वायरस आए थे कोरोना के, उससे ज़्यादा डेंजरस इसको बताया गया है। हालांकि इसकी पूरी छानबीन हुई नहीं है। साइंटिस्टली तरीके से देखा जाए तो 10 दिसंबर तक उम्मीद है इस पर रिसर्च करके पता लगाया जा सकेगा ये कितना खतरनाक है, इस पर कितना इफेक्टिव फेफड़ों पे बंदे पे पड़ता है अगर इसका वायरस पॉजिटिव बंदा हो जाता है तो। सेकंड, इसकी मेन बात ये रहेगी कि इसका जो डोज है, जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी इसका वैक्सीन है, वो इस पे कितना असरदार होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, अपना ओपिनियन भी बात करेंगे विद प्रूफ के साथ में, क्या फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए। जी हाँ, इस ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। अब देखिए, इसमें एक पोल किया गया था, पोल में बता दूं कि एक आंकड़ा निकलता है कि भाई किस तरह से लोगों की राय जानी जाती है, तो बता दूं 38% लोगों ने यह बताया कि अफ्रीकी देशों की फ्लाइटों को बैन कर दिया जाना चाहिए। जी हाँ, 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया कि अगर इनके इन देशों के लोग यहाँ पे इंडिया में आते हैं, जो 6-7 देश हैं जहाँ पे अभी तक कोरोना पॉजिटिव ओमिक्रॉन से पाए गए हैं, उनको इंडिया में क्वारंटाइन कर देना चाहिए। जी हाँ, 50% लोगों ने साफ ये बोला कि फ्लाइटें बैन कर देनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। जी हाँ, ये बात हो गई। ये अब आप लोग जो लोग इन देशों से इंडिया आना चाहते हैं या आप जाना चाहते हैं, तो आप तो नहीं चाहोगे कि फ्लाइटें बंद हो जाएं, क्योंकि पिछले 2 साल से फ्लाइटें बंद ही थी, लोगों के हालात खराब हो गए, लोग मरने के कगार पे आ गए जब मुश्किल से फ्लाइटें स्टार्ट हुई। मामला रूटीन में आ रहा था, जनवरी 2022 से शुरुआत अच्छी से हो जाती ऐसा अपना मानना था, लेकिन अभी ये जो ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस आपको पता है दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट होके फर्स्ट में इजराइल में आया था, जांच में पाया गया था। जी हां, अब देखिए, अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि ये मामला देखिए 15 देशों में मात्र 4 से 5 दिन में 15 देशों में फैल चुका है। सोचने की बात है भाई, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, घाना, यूके, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, कनाडा, फ्रांस, जी हां, दुबई वगैरह, इन देशों ने फ्लाइटें बंद कर दी, आप सबको पता ही है। जी हां, अब यहां पे बात आ जाती है कि फ्लाइटें पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं कर देनी चाहिए। देखिए, अगर बात करें 27 जनवरी 2020 को चीन में एक शहर है वुहान, आपने सबने सुना होगा, जहां से कोरोना की पैदाइश हुई थी, समझ गए बात को, वहां से एक इंडियन लेडी थी जो 30 साल की थी, वुहान से चीन की फ्लाइट से इंडिया लौटी थी। जी हां, और वो सबसे पहले इंडिया में 27 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस से ग्रसित पाई गई थी, और ये नतीजा है कि आज की डेट में 3.5 करोड़ से ऊपर इंडिया में केस हो चुके हैं, 4.5 लाख से ऊपर इंडिया में मौतें हो चुकी हैं। समझ में आई आपको बात, इंडिया में एक ही केस था, एक केस से कितना बन गया, 3.5 करोड़। ये तो सरकारी आंकड़े हैं भैया, जो मुझे लगता है कि आधे ही है, और मौत कितनी हुई है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4.5 लाख। तो आप सोचिए कि क्या फ्लाइटें बैन नहीं कर देनी चाहिए, हो सकता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने बंद कर दे, तो कम से कम इसके निजात पा दे। अगर एक बार ये मामला शुरू हो जाता है तो क्या आपको पता है फिर ये रुक पाएगा, असंभव है। जी हाँ, इंडिया सरकार ने 15 दिसंबर से फ्लाइटें 100% रीओपन करने की घोषणा कर दी थी, आप सबको पता है। उसके ऊपर जो मोदी सरकार की जो मीटिंग हुई है, उसको दोबारा रिमाइंडर करने के लिए बोला गया है, और मुझे जहाँ तक लगता है 15 दिसंबर से फ्लाइटें ओपन नहीं होने वाली हैं, खास तौर से अफ्रीकी देशों से तो बिल्कुल नहीं होंगी। कंडीशन लगाई जाएंगी, उनके ऊपर नियम लागू किए जाएंगे, SOP लागू हो जाएगी। जी हाँ, हालांकि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इस पर बात करेंगे। रेगुलर वीडियो वॉच करते रहिए। अब जो ओमिक्रॉन जो वायरस है ना, ये हर रोज हर सरकार हर फ्लाइट नए रोज अपडेट देने की मतलब एक तरीके से पाबंदी लगा दी है, नित रोज नए अपडेट आएंगे, इसने बंद किया, चालू किया, ये नियम वो के नियम, तो आपको भी जानना जरूरी है। और फ्लाइटें थोड़े टाइम के लिए अगर बंद कर दें, मेरा मानना है, क्योंकि इंडिया का केस 27 जनवरी 2001 को एक ही केस था इंडिया में, जो बढ़ के आज तक 3.5 करोड़ हो चुके हैं, और अभी तक भी अंत नहीं हुआ है, वो चलता जाएगा। अभी इंडिया में 8,000-9,000 केस पर डे आ रहे हैं, तो इसको होते कम जीरो होते होते आपको पता है कितना टाइम लग जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है 6 महीने और लग जाएंगे, 2022 में चली जाएगी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हर रोज़ नई अपडेट पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।